नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इनिशिएटिंग टेक में। और दोस्तों आज की वीडियो कुछ टेक्निकल नहीं है, लेकिन एक यूट्यूब का बहुत बड़ा अपडेट है जो कि मैंने कल लाइव में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। और मैंने सोचा एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बना लूं ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो मेरे चैनल पे ऐड है और उन तक ये न्यूज पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो 7 बजे वाली वीडियो शाम को वो भी आपको मिल जाएगी। और ये मैं स्पेशली अभी 12 बजे लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लेटेस्ट खबर है और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो मुझे लगा सबसे पहले पहुंचा देनी चाहिए। बाकी आपकी कोई राय हो कमेंट हो आप नीचे कर सकते हैं, रिप्लाई मैं हमेशा देता हूं, ये मेरे सब्सक्राइबर्स और परिवार वाले जानते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस कलर का रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ज्यादा ना देर करते हुए चलिए जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा था YouTube के अपडेट को लेकर। यहाँ पे एक चीज निकल के है कि जैसे कि अगर आप YouTube चैनल चलाते हो या फिर आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है या आपने कभी YouTube के रूल्स को स्टडी किया है, तो आपको ये बात पता होगी कि अगर हम किसी का कंटेंट चोरी करते हैं या फिर किसी की डायरेक्ट वीडियो चोरी करके अपने उस पर लगाते हैं या फिर किसी की इमेज है, किसी की कोई चीज, मतलब जो चीज है उसके पास पेटेंट है या फिर वो खुद का है और हम उसे अपने लिए यूज करते हैं विदाउट एनी परमिशन और उसके अलाउंस के, तो वो बड़े आराम से हम पे कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकती है। भले वो पर्सन लगा सकता है, यूट्यूब खुद लगा सकता है और साथ ही साथ और भी चीजें वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब एक और मतलब जो अपडेट इस पे थोड़ा समझ लीजिए, इसी चीज में थोड़ा सा अपडेट और आया है। यह है क्योंकि क्या हुआ कि अगर कभी कभी क्या होता था कि बहुत इस चीज को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था कि मान लीजिए क्या है, अब मैंने मान लीजिए कि मैंने किसी यूट्यूबर से बोला कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो और उसने मेरी वीडियो टाइमलाइन में लगा ली या मेरी कोई वीडियो अपने चैनल पे बता दिया और मैं फिर उसमें बहुत आसानी से स्ट्राइक लगा देता था और उनका चैनल बंद हो जाता था या उनका अपलोड बंद हो जाता था और इस वजह से काफी नुकसान कई यूट्यूबर्स को पहुंचा। और ऐसे केसेस देखने को मिले हैं काफी। और लेटेस्ट और सबसे पॉपुलर केस अगर मैं बताऊं तो ये धर्मेंद्र सर का था, माय स्मार्ट सपोर्ट चैनल का। तो इन चीजों से लड़ने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए ये बनाया गया रूल। तो इसमें ये अपडेट आता है कि अगर आप, अब ये जो नया अपडेट आता है इसमें ये है कि अगर अब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे मान लीजिए किसी की वीडियो चुरा के अपने उस पर लगाई, लोगों को चेंज कर दिया और साथ ही साथ अगर किसी का कुछ कंटेंट चोरी कर रहे हैं या फिर कुछ है ऐसा कुछ, तो इसमें सबसे पहले YouTube करेगा आपको एक वार्निंग देगा, एक वार्निंग ईमेल आएगा जिसमें ये लिखेंगे कि आपने ऐसा 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 किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा और इसलिए आपको फर्स्ट वार्निंग दी जा रही है। ठीक, अगर उसके बाद आप एक और ऐसे कोई गलती करते हैं तो इसमें YouTube क्या करेगा, वार्निंग तो वो दे चुका, सेकेंडली वो ये करेगा कि आपके चैनल को कर देगा एक हफ्ते के लिए फ्रीज, यानी कि आप कुछ भी अपलोड लाइव कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बहुत मिनिमल कम, मतलब मिनिमम एक तरीके से कह सकते हैं पनिशमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं सुधरते हो, फिर भी आप ये दोबारा 90 डेज के अंदर दोबारा से ये हरकत करते हो, तो इसमें YouTube एक सेकेंड स्ट्राइक देगा जिसमें 90 डेज के अंदर अगर भी दोबारा करते हो तो 2 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब 2 वीक्स के लिए आपका चैनल आपके लिए समझ लीजिए फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी 14 दिनों के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने चैनल पे। ये एक बड़ा एक तरीके से लॉस हो सकता है अगर आप एक बड़ा चैनल है, हालांकि ग्रोइंग चैनल्स और छोटे चैनल्स के लिए ये तो बहुत छोटी सी चीज है। और साथ ही साथ अगर आप बात करें तीसरे, अगर आप तीसरी स्ट्राइक पड़ती है इसी चीज को आप कंटिन्यू रखते हैं तो ऑब्वियसली उस समय आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी अब तक की आपकी मेहनत जिंदगी भर की हो या साल भर की हो या महीने भर की हो या हफ्ते भर की हो वो पूरी टर्मिनेट कर दी जाएगी और ये एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में मैंने सोचा आपको एक अपडेट दे दूं और ये बहुत एक जरूरी चीज थी। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा अगर यार देखो सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं और दिक्कत हो रही, वीडियोस पे वीडियोस डाल रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो मैं भी इसी स्टेज से अभी गुजरा हूँ। 200-300 सब्सक्राइबर मेरे भी थे, अभी फिलहाल 1210-1211 है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, 5-6-7-8 सब्सक्राइबर डेली आते हैं। तो रीजन ये था कि पहले अच्छी वीडियोस बनाइए, ऑडियंस को एंगेज करिए, 1000 तक किसी तरह ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर पा लीजिए। टाइम लगेगा, मुझे भी 4 महीने लग गए, ठीक है, लेकिन अब ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स है, उनके साथ अच्छा तालमेल बैठा हुआ है, अच्छे लोग शेयर कर रहे हैं वीडियोस को, अच्छी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो
प्लीज पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, गलत कदम मत उठाइए, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों में, और साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ बड़ों की इज्जत करें, और सॉरी अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमें आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं, चीजें हम वहां भी अपडेट करते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सॉरी बड़ों की इज्जत करें और आसपास सफाई रखें, डू सम इनिशिएटिव टू मेक इंडिया टेकी। थैंक यू।